अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लुबना सगीर, आपकी ऑनलाइन फैशन स्कूल की इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू कट एंड सी यू। आज की वीडियो है हमारी टक्स के बारे में कि हम टक्स को इजीली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टक्स का इस्तेमाल आप मोस्टली सीविंग प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं, आप कपड़ों के अलावा आप जो कुशन बना रहे हैं घर के लिए उनमें कर सकते हैं, या घर के और डेकोरेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं आप उसमें टक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप टक्स के पैचेस बना सकते हैं, पैचेस का इस्तेमाल आप डिफरेंट जगहों पर कर सकते हैं। कपड़ों में आप देखेंगे इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, टक्स के ऊपर कट दाना यूज़ होता है और बीड्स लगे हुए होते हैं डिफरेंट स्टाइल से। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक टक्स के बारे में बताऊंगी कि हम इनको किस तरह से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है एक स्केल, कॉटन फैब्रिक, मायरिंग टेप, डिफरेंट कलर का थ्रेड, थ्रेड कटर या सीजर और मार्किंग चॉक। सबसे पहले है हमारी बेसिक टक्स। इसको बनाने के लिए फैब्रिक पर 2 इंच की दूरी पर लाइंस लगा लें। आप ये डिस्टेंस चेंज भी कर सकती हैं अपनी डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग। हम ऊपर और नीचे दोनों साइड पर इसको मार्क करेंगे और फिर इनको मिला लेंगे। इस तरह हमारी लाइंस सीधी लगती हैं और दरमियान का डिस्टेंस एक जैसा रहता है। अब हम इनको मिला लेंगे। अब हम इसको लाइन से फोल्ड करके एक पांव की दूरी पर सिलाई लगाएंगे। याद रखिएगा टक्स जो है वो सीधी साइड पर ही लगते हैं। अब हम दूसरी लाइन को भी फोल्ड करके इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारी बेसिक टक्स लग गई है। नेक्स्ट है हमारी पिन टक्स। इसमें भी हम 1 इंच या 2 इंच की दूरी पर मार्किंग कर लेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, आप वैसे निशान लगाकर भी मार्किंग कर सकती हैं। और ये मेरा स्केल 1 इंच का है तो मैं अब इस तरह इसको मार्किंग कर रही हूँ। टक्स बनाते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि आपके दरमियान का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इससे हमारे काम में सफाई और खूबसूरती आती है। अब हम इन लाइंस को उसी तरह फोल्ड करके टॉप स्टिच लगाएंगे। सिलाइयाँ सीधी लगाने के लिए एक तो हमारी मशीन पर ये निशानात भी दिए गए हैं कि हम उन निशान, अगर हमारा कपड़ा यहाँ पर आ रहा है तो थ्रू आउट इसी निशान पर आए। अब हम पिन टक्स लगा रहे हैं तो ये वेरी क्लोज हम सिलाई लगा रहे हैं, तो मैंने इसका अंदाज़ा इस तरह रखा है कि अगर मेरा कपड़ा इस जगह के यहाँ दरमियान में आ रहा है, मतलब इस डिस्टेंस पर आ रहा है, तो हमारा थ्रू आउट इसी डिस्टेंस पर रहे। ये देखें, ये हमारी पिन टक्स लग गई हैं। टक्स या पिन टक्स लगाने के बाद आप इसको आयरन कर लें तो इसकी खूबसूरती आपको फिर नज़र आएगी। नेक्स्ट है हमारी पिन टक्स विद क्रिस क्रॉस। ये पिन टक्स की ही वेरिएशन है। इसमें हम क्रिस क्रॉस पैटर्न क्रिएट करेंगे। पहले हम इस तरह से लाइन लगाएंगे, हमारी लाइन सेम डिस्टेंस पर होनी चाहिए।
क्योंकि पिन टक सीधी साइड पर ही लगाई जाती हैं, इसलिए हम इनके निशान सीधी साइड पर ही ड्रॉ करेंगे। ये हमारी एक साइड से सिलाइयाँ लग गई हैं, अब हम दूसरी साइड पर सिलाइयाँ लगाएंगे। हमने जो पहले पिन टक्स लगाई हैं, हमने उसका रुख एक ही साइड पर रखकर सिलाइयाँ लगानी है। ये हमारी पिन टक्स क्रिस क्रॉस रेडी है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप किसी कपड़े पे पिन टक्स का डिज़ाइन बना रहे हैं या किसी टॉप पर बना रहे हैं, तो आपने उसके हिसाब से कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। अगर तो आप पिन टक्स का डिज़ाइन बना रहे हैं तो 5 पिन टक्स के लिए आपने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, और 10 पिन टक्स के लिए आप 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। और अगर आप बेसिक टक्स का डिज़ाइन बना रहे हैं तो 5 टक्स के लिए आप 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, और 10 टक्स के लिए आप 6 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इसी हिसाब से आप कपड़े को एक्स्ट्रा रखेंगे। नेक्स्ट है हमारी स्पेस टक्स। स्पेस टक्स हमारी बेसिक टक्स ही होती हैं, लेकिन उसमें यह है कि हम सेम डिस्टेंस का गैप दरमियान में रखते हैं। मीन्स आपकी टक्स जो है वो क्लोज नहीं होती लाइक दिस, आपकी टक्स के दरमियान में गैप होता है। लाइक चाहे आप 1 इंच का रखें, चाहे आप 2 इंच का रखें, इट्स अप टू यू। तो ये जो मैंने बेसिक टक्स के बारे में आपको बताया था, जिस पैटर्न पे मैंने ये बनाई है, ये हमारी स्पेस टक्स ही हैं। नेक्स्ट है हमारी रिलीज्ड टक्स। इस पर भी हम 1 या 2 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे। आप इनका डिस्टेंस कम भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप 1/2 इंच का डिस्टेंस भी रख सकते हैं, आप 1 इंच का भी रख सकते हैं और ज़्यादा का भी रख सकते हैं, इट्स अप टू योर डिज़ाइन। अब हमने इसमें ये करना है कि हम इसके हाफ पर निशान लगा देंगे, और जो हम इसके ऊपर टक्स बनाएंगे वो हम बेसिक टक्स लगाएंगे। इस पर हम टॉप स्टिच नहीं लगाएंगे। बेसिक टक में हमने 1 पाँव का फासला दिया था, तो हम यहाँ पर 1 पाँव के फासले से स्टिच लगाएंगे, और हमने ये जो हाफ पिन लाइन निशान लगाया है, हम यहाँ पे लाकर इसको ख़त्म कर देंगे। स्टिच ख़त्म करने से पहले हमने इसको पक्का लाजमी कर लेना है ताकि हमारा टक उधड़े नहीं। ये देखें, इसी तरह हम दूसरे टक्स भी लगाएंगे। कपड़ा स्टिच करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपका साइड वाला कपड़ा आपकी मशीन के अंदर से ना आ जाए। तो हम पहले इसको कपड़े को सेट करेंगे, उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई ख़त्म करने के बाद अपने एक्स्ट्रा थ्रेड्स को लाजमी ख़त्म कर रहे हैं। ये देखें, ये हमारी रिलीज्ड टक्स लग गए हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर टॉप्स के डिज़ाइनिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी वेव टक। इसमें हम 1/2 इंच के गैप से कपड़े पर निशान लगाएंगे। और इन निशानात को मिला लेंगे। अब हम इसको फोल्ड कर बेसिक टक्स लगाएंगे। ये देखें, ये हमारी बन गई हैं बेसिक टक्स। अब हम इनको यहाँ पर इस तरह सिलाई लगा लेंगे। और 1/2 इंच के फासले पर फिर एक सिलाई लगा लेंगे।
आप इसके दरमियान में एक निशान लगा लें, सवा एक पर निशान हमारा लगेगा क्योंकि हमने 2.5 इंच लिया था, तो 1.25 इंच हमारा दरमियान आ जाएगा। अब हम इनको इन टक्स को इस साइड पे टर्न करके सिलाई लगाएंगे। और ये हमारी वेव स्ट्रक्स रेडी हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मेरी ये कोशिश है कि आप इतना स्किलफुल हो जाएं कि आपको आप इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर लें। आपके इर्द गिर्द वो लोग जो सेविंग का शौक रखते हैं और जो सेविंग करते हैं, आप उनको मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।